Sony LIV. We live to entertain. Download the app. ओए, क्या हुआ? इतनी गुमसुम क्यों खड़ी है? मेरा मोबाइल कवर. अब क्या हुआ? बता भी दे. कुछ नहीं टीच. अपने ही झूठ के जाल में फंसती जा रही हूँ. वो हकीडो वाले पहले पहले ना बहुत मजा आता था. सारी लड़कियां मेरी फ्रेंड्स बनना चाहती थी, पर अब उस झूठ की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है मुझे. क्यों, क्या हुआ? वो पुनीता है ना, उसने अपने भाई और उसके दोस्तों को चैलेंज कर दिया है कि मैं उन्हें एक लेवल खेल कर दिखाऊंगी. You know what? उसने ना सैटरडे को मुझे अपने घर बुलाया है. जिस झूठ ने मुझे इतने सारे फ्रेंड्स दिए, वही झूठ मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है. इस सब में मेरी गलती है. टीच, आपकी इस हकीडो का आइडिया तुझे मैंने ही दिया था ना. अगर उस दिन मैं तेरे को झूठ का सहारा लेने का सजेशन नहीं देती ना, तू इन सब चीजों में नहीं फंसती. I'm sorry. ठीक, ऐसे मत बोलो. मॉम डैड हमेशा कहते हैं कि झूठ का कभी सहारा नहीं लेना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए. माना कि आपने मुझे एडवाइस किया था, मैंने क्या किया? मैंने भी तो उसे यूज किया ना. अभी भी देर नहीं हुई है, मेरी एक बात मानेगी? अपनी फ्रेंड को फोन करके सच बता दे. बता दे उसको कि तू ये हकीड़ो वकीड़ो को नहीं जानती और तूने ये गेम्स कभी नहीं खेली है. और क्या टीच, पुनीता को फोन करके सब सच सच बता देती हूँ. जब हकीड़ो है नहीं मेरे पास तो मैं खेलूंगी किसके साथ? और कौन जानता है कि मैं खेल भी पाऊंगी या नहीं. इंटरनेट से पढ़ते तो सब प्लेन चलाना भी जान सकते हैं. हकीरू क्या चीज है? हेलो. हाय राशि, अगर तुझे कुछ और भी मांगा होता ना तुझे तो मिल जाता. लगता है ऊपर वाला बड़ा मेहरबान है तुझ पर. क्यों, क्या हुआ? अरे तेरा हकीरू मिल गया मुझे, कल ले लियो मुझसे. क्या, घर से प्रैक्टिस शुरू कर दे और सैटरडे सबकी छुट्टी कर दे. से चल बाय. क्या हुआ? किन्नी को ना हकीडो गेम मिल गई है. वो रॉकी भैया को ना मौसाजी के किसी क्लाइंट ने गिफ्ट किया तो किन्नी ने बोरो कर लिया. शी इज ऑफरिंग मी टू. ठीक राशि, सिर्फ इतना कहूंगी कि अब ये तेरा डिसीजन है, तुझे क्या करना है. तू क्या चाहती है कि लोग तुझे किस नजरिए से देखें? मम्मा पानी. अब भी लाई मेरा गुड़िया बच्चा? आगे? अच्छा सुन बेटा, जल्दी से कपड़े बदल ले, हमें जाना है. अभी तो आई हूँ, थोड़ा रेस्ट करने दो. एंड बाय द वे, हम जा कहाँ रहे हैं? सेस, हम लोग जा रहे हैं वाई ब्लॉक. डॉक्टर बैनर्जी, रिमेम्बर तेरे डेंटिस्ट, तेरा ही अपॉइंटमेंट है. दांतों को लेके जाओ ना, मुझे क्यों लेके जा रहे हो? नानी माँ, स्मार्ट आंसर्स देने की जरूरत नहीं होगी. तेरे पापा अभी आने वाले हैं और अपॉइंटमेंट के बाद ना मुझे थोड़ी खरीदारी करनी है. वो बेचारे सनी की शॉपिंग उस दिन रही गई थी तुम लड़कियों के चक्कर में. तो प्लीज आज आप कोऑपरेट करें, जल्दी से कपड़े बदलें और चलें. बोलो ना, अपनी फेवरेट की शॉपिंग करनी है. हाँ जा, मुझे अपने फेवरेट की शॉपिंग करनी है. ओके चलो चलो चलो, छोटी मेरी गुड़िया. रॉकी भैया का है, इन्हीं ने बोरो किया और मुझे ऑफर किया. कहीं तो फिर से उस झूठ का सहारा तो नहीं ले रही ना? टीच, वो सब मैंने हैंडल कर लिया है. एंड पुनीता और मैं अब बेस्ट फ्रेंड्स हैं. बाय द वे, ये ना
मैंने बस देखने के लिए लिया है रॉकी भैया से एक दिन के लिए, कल लौटा दूंगी। ये क्या है सनी? प्रैक्टिस। किस चीज की? मेरा सिलेक्शन हो गया। कौन सा सिलेक्शन सनी? इस साल जन्माष्टमी में मैं हमारी बिल्डिंग में रिश्ता बनाऊं। व्हाट सनी? हो यू नो जिसने तुझे सिलेक्ट किया होगा ना उसकी आंखों में जरूर चश्मा लगा होगा। कृष्ण भगवान कितने पवित्र आत्मा थे और तू किस एंगल से पवित्र है? You know what, it's मंदिर में भी ना भगवान की मूर्ति से ज्यादा उनके बगल में जो प्रसाद होता है ना उस पे ज्यादा ध्यान होता है। राशि दीदी आपको कुछ नहीं मालूम, कृष्णा भगवान को भी दूध माखन दही घी वो सब पसंद था और मुझे भी वो सब पसंद है, तो हो गया ना हम परफेक्ट छोटे छोटे कृष्ण। हे कृष्ण भगवान मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि बिल्डिंग वालों को इससे अच्छा कृष्ण भगवान मिल जाए। नहीं दीदी मैं सबसे बेस्ट कृष्ण बन के दिखाऊंगा, देख लूंगी। चैलेंज पक्का चैलेंज। गाइस शट अप। थैंक यू सो मच रवि। एंड राशि तूने अभी तक चेंज नहीं किया ना बेटा? तेरे पापा आ गए, चलना जल्दी करना। पापा और ये चले जाएंगे रिहर्सल्स पर और हम तीनों शॉपिंग करेंगे। जल्दी रवि से जल्दी रेडी कर। बाय दीप। हम मार्केट जाएंगे ना शॉपिंग के लिए, उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे ना? हाँ तो तू नहीं चले? हाँ दीदी मैं अपनी रिहर्सल्स करूंगा क्योंकि मुझे आपकी चैलेंज जो जितना। और अच्छा दीदी आप अपने दांत की फीलिंग के बाद जो आइसक्रीम मांगोगी ना मम्मी से तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। हाँ सनी तू राशि चल तू तैयार हो जा। लाइट ऑफ हो गई। और कोई है ऊपर? कोई नहीं। ओपी जनरेटर ऑन करो। पिंकी मैं यहाँ पार्किंग लॉट पे हूँ, बहुत बुरा जाम हो रहा है। अच्छा ठीक है आप यहीं आ जाइए, हम यहीं वेट करें, हमारा काम तो हो गया है। अगर तुम लोगों का काम हो गया तो तुम लोग यहीं पार्किंग लॉट में आ जाओ। अब यू टर्न लेने के लिए मुझे एक घंटा लग जाएगा, बहुत बुरा जाम है। ठीक है फिर हम वहीं आते हैं। ओके रवि। रवि आ रही हूँ। दोनों लड़के ना एक जगह पर खड़ी नहीं हो सकती। हम कहाँ चली गई थी? कचरा फेंकने गई थी। बेटा चलो जल्दी चलो पापा पहुंच गए, बहुत गंदा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। और ये राशि का है? पता नहीं 5 मिनट बोल के गई थी। खोलो दरवाजा, कोई अटक गया है अंदर। ये लड़की भी ना सुन उसके पास पैसे थे क्यों? जब उसके पास पैसे होंगे तो उसे कोई वीडियो गेम की दुकान दिख गई होगी और उसी से सीधे गेम लेने चली गई होगी। हाँ पर मेरे को नहीं लगता अब गई होगी। क्यों? मेरे को लगता है अब बाथरूम गई होगी, क्या जैसे मैं ना उसने कुछ अंडशंट खा लिया था। मत जा जाकर देखा। जा ना बेटा जा। हाँ। जल्दी पापा वेट करें। ओके क्या करते हुआ क्या है? पता नहीं गाड़ियाँ आगे क्यों नहीं जा रही है? साहब पूरा मेन रोड जाम है, गाड़ी जाएगी कहाँ? हाँ ठीक है। ओए मम्मा तेरी बहन कहाँ है? पता नहीं वो तो बाथरूम में भी नहीं है। पता कहीं वीडियो गेम की दुकान देखी होगी, वहाँ घुस गई होगी। अच्छा देखा ना वहाँ पर भी बिजली नहीं है। अरे लगता है सारे शहर की बिजली चली गई है। वॉचमैन लंबा टाइम लगेगा, डीजल मंगवा लो जनरेटर के लिए। लगता है पूरी दिल्ली में लोड शेडिंग हुई है। Thank you.
Sony LIV. We live to entertain. Download the app. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.